इस वीडियो में हम लोग आपको ये 4K स्पाई रिस्ट वॉच कैमरा आपको चलाना सिखाएंगे, कैसे इसको यूज़ करना है, इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे बनेगी, फ़ोटो कैसे क्लिक करते हैं, और सिर्फ अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग बनानी है तो वो कैसे होगा। तीन फंक्शन है बेसिकली, इसके तीनों फंक्शन आपको इसमें डिटेल में बताएंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली दो मॉडल आते हैं, एक ये मॉडल है 4K वाला और एक ये मॉडल इसमें ये वाला। तो ये दो मॉडल हैं बेसिकली इसमें। दोनों का सेम प्रोसीजर है यूज़ करने का, तो हम लोग इसमें आपको इस वाली वॉच में आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। दोनों में सेम बटन्स हैं, सब कुछ सेम है, तो आपको ये वाला हम लोग इसमें चला के दिखाएंगे कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 10 नंबर के पास ये बटन है, ये वाला, ये बेसिकली इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से ऑपरेट होगा ये वीडियो। जो भी हम लोग फंक्शन करेंगे वो यहाँ से 10 नंबर के पास जो बटन है इससे होगा। और ये जो नीचे वाला बटन है 20 नंबर के पास, ये मोड बटन है। हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी है या सिर्फ ऑडियो बनानी है, फिर हमने फ़ोटो क्लिक करनी है, तो ये जो 20 नंबर वाला बटन है यहाँ से मोड चेंज होगा। और इस तरफ जो सिंगल बटन है ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा ऐसे घूमेगा, धीरे से आपने घुमाना है, ये खुल जाएगा। इसके अंदर आपको चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा, जब भी आपको घड़ी मिले तो आपने इसको चार्ज करना है 1 से 2 घंटे तक, और ये फुल चार्ज हो जाएगा। आपको घड़ी देख के चार्ज करना है, लगभग 1 से 2 घंटा आप चार्ज कीजिए फुल चार्ज हो जाता है। और यहाँ से ये ऑपरेट होगा, यहाँ पर इसका कैमरा है। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए जैसे हमने इसको चार्ज किया हुआ है, इसके अंदर 32 GB मेमोरी इनबिल्ट है, डला हुआ है मेमोरी कार्ड इसमें 32 GB का। अब ये जो बटन है इसको हम लोग प्रेस करेंगे, एक बार ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये ग्रीन और ब्लू लाइट आएगी, और ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी और ब्लू लाइट चलती रहेगी। अब हम लोग दोबारा से इस बटन को एक बार क्लिक करेंगे, सिर्फ एक बार क्लिक करना है, जैसे हम लोग घर में कोई स्विच ऑन करते हैं, ये ऐसे क्लिक किया बस, तो ये ब्लू लाइट आप देखेंगे तो 3 बार ब्लिंक होकर बंद हो जाएगी। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अब ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा है। ब्लू लाइट 3 बार ब्लिंक होकर बंद होगी तो ये इंडिकेट कर रहा है ये अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा है। और जब हमें इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है, ऑफ करना है, इसी बटन को हम दोबारा से एक बार दबा के रखेंगे लॉन्ग प्रेस, तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा आपका। ये हमने लॉन्ग प्रेस किया, ब्लू लाइट आकर चला गया, ये ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हो। अब हमने मोड चेंज करनी है, ये पहला मोड हो गया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का। दूसरा मोड, ये हमने ऑन किया, ग्रीन और ब्लू लाइट आया, हमने मोड वाला बटन को एक बार क्लिक किया, ये देखिए ये सिर्फ ग्रीन लाइट चल रही है अब, तो ये ग्रीन लाइट का इंडिकेशन है ये अब ऑडियो मोड पर है। अब हम लोग फिर वैसे ही हम लोग एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होकर बंद हो रही है। ध्यान से हमने ये बात नोटिस रखनी है, जब ब्लू लाइट ब्लिंक होकर बंद हुई तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, अब ये सिर्फ ग्रीन लाइट ब्लिंक होकर बंद हुई है तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होगी इसमें, ऑडियो फाइल। अब जैसे ऑफ करना है तो सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से हम इसको दबा के रखेंगे तो इसमें ग्रीन लाइट आकर बंद होगी। ऑडियो वीडियो में ब्लू बंद हुई थी, इसमें ग्रीन बंद होगी, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपकी सेव होगी। थर्ड, तीसरा जो इसका ऑप्शन है फोटो मोड का, हमने दोबारा से इसको क्लिक किया, एक बार प्रेस किया, ग्रीन वाला आ गया, ऑडियो मोड पर आ गया, फिर दोबारा क्लिक किया, ग्रीन और ब्लू दोनों चल रही हैं। अब जितनी बार हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, लाइट दोबारा आ जाएंगी, ये फ़ोटो क्लिक हो रहा है। और जब हमने इस मोड को ऑफ करना है तो हम लोग फिर इसी बटन को दोनों बार प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग प्रेस, दोनों लाइट्स बंद होगी, दोनों लाइट ऑफ होगी तो ये घड़ी बंद होगी। अब तो तीन मोड है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मोड है जो वो ब्लू लाइट से इंडिकेट होता है, ऑडियो मोड है जो वो ग्रीन लाइट से इंडिकेट होता है, और जो फोटो वाला मोड है उसमें दोनों लाइट्स ब्लिंक करती हैं। जब भी हम लोग कोई भी मोड शिफ्ट करेंगे उसको बंद करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो बाय डिफॉल्ट ऑडियो वीडियो वाले मोड पर ही स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप इस घड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, कभी भी आपको कोई भी इसमें इशू लगे, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए आपको इसको अपने लैपटॉप से लगाना है, और लैपटॉप में लगाकर इसको आप जैसे हम लोग नॉर्मली कोई पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करते हैं वैसे फॉर्मेट हो जाएगा। और जो इसमें रिकॉर्डिंग बनेगी उसको आप VLC मीडिया प्लेयर में प्ले कर सकते हैं,
या फिर आप मैक्स प्लेयर आता है उसमें प्ले कर सकते हैं, और विंडो मीडिया प्लेयर में भी किसी किसी लैपटॉप में विंडो मीडिया प्लेयर भी चल जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके पास लैपटॉप कौन सा है, कौन सा विंडोज़ है। तो आप रिकॉर्डिंग बनाने के बाद अपने लैपटॉप से अटैच करके इसको दो तीन प्लेयर्स में ट्राई कीजिए, आपके लैपटॉप के अनुसार, आपके लैपटॉप के हिसाब से वो किसी ना किसी प्लेयर्स में चल जाएगा। मोस्टली जो होता है VLC मीडिया प्लेयर में फाइल प्ले हो जाती है। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू आए तो ये हमारा कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग्स दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।